100 में से 15 से 20 लोगों को शीघ्र पतन की बीमारी होती है, जिसमें पानी कुछ सेकंड में ही निकल जाता है, वीर्यपात हो जाता है और पत्नी का और खुद का समाधान नहीं होता। बहुत लोग परेशान हैं। वैसे ही लिंग में कठोरता नहीं आना, टाइटनेस नहीं आना और उसके वजह से संभोग नहीं होना, ये भी प्रॉब्लम है। ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ रहे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम तैयार हो जाता है। लोगों को जल्दी पानी निकल जाना, उसकी वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आती है, पति पत्नी का बेड पर समाधान नहीं होता है और फिर झगड़ा झंझट डिवोर्स तक बारी आती है। लोगों को हाथ से करने की आदत रहती है, मुट्ठी मारना, मास्टरबेशन करना, हस्त मैथुन करना, और उसमें जब वीर्यपात बहुत ज़्यादा बार करते हैं तो उससे भी काफ़ी परेशानी होती है और उसकी लत लग जाती है। कमर के नीचे में कमजोरी आने की वजह से जल्दी थक जाते हैं, ज़्यादा समय तक टिकते नहीं है और फिर खुद का या पत्नी का समाधान होता नहीं है। कुछ लोग बचपन में गलतियां करते हैं और फिर उसके वजह से फिर भुगतना पड़ता है बड़े होने के बाद में। अब वो गलतियां जो है वो काफ़ी अलग अलग तरह की होती है। रात में बिस्तर में कपड़े खराब होना, नाइटफॉल होना, स्वप्न दोष होना, नॉक्टर्नल एमिशंस होना, ये भी बहुत लोगों में कॉमन होता है। पेशाब या लैट्रिन करने के समय सफ़ेद पानी निकल जाता है और अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण नहीं होता। कुछ लोगों को समलिंगी आसक्ति, होमोसेक्सुअलिटी है और उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स है। तो आदि सभी समस्याओं के बारे में हमारे मुफ्त वेबिनार में चर्चा होती है। मैं डॉक्टर दीपक केळकर पिछले 39 साल से अकोला में मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे मुफ्त वेबिनार होते हैं जिसमें आपको आना है, उसके लिए आपने रजिस्टर करना है। नीचे लिंक दी है, उसके ऊपर आप रजिस्टर करो। हमारे वेबिनार के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। वेबिनार मुफ्त है। हमारा मकसद है कि सबको लैंगिक स्वास्थ्य में समाधान मिलना चाहिए। जरूर आइएगा, मैं आपका स्वागत करूँगा। सेमिनार में आने के लिए लिंक के साथ साथ नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है। व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उसमें भी आपको हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।